हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 हम कर रहे हैं लाइंस एंगल्स एंड सर्कल्स। चैप्टर 16 का हमारा एक्सरसाइज है 16.3। 16.3 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर बेसिक, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द बेसिक एंगल्स। यानी कि हमें जो एंगल्स दे रखा है 60 का, इसको हम बनाएंगे, इसको टू पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे? टू पार्ट्स। जैसे हम एक एंगल बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ की, अब हम क्या करेंगे, इसके टू पार्ट, एक एंगल बनाएंगे 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो हम इसको इस टाइप से एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद में इसको यहाँ पर कट किया, इस पे हम फिर रख करके फिर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जिसने यहाँ पर एक काटा है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा 60 डिग्री का है, जैसे ही हमारी आर्क फर्स्ट आर्क लगेगी वैसे ही हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो आपका 60 डिग्री का एंगल्स बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको बेसिट करना है, यानी कि टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो हमने आर्क लगाई थी, इसी को ही हम जो लेंगे, इसको एक आर्क यह लगाएंगे और इसको हम केंद्र मान करके एक आर्क हम ये लगाएंगे, ठीक है, जिसने हमको यहाँ पर कट किया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो कट किया है इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। ये कितने पार्ट हो गए? टू पार्ट्स हो गए। बेसिट से हमें क्या करना है, इसके 60 डिग्री के टू पार्ट्स करने हैं। अब हम इसके पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, एक पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा और ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा और ये पॉइंट आपका एफ हो जाएगा और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये पॉइंट आपका डी। अब हमें करना है क्या है, इसमें जो एंगल दे रखा है, हमें जो एंगल जो रखा है बी ए सी, एंगल बी ए सी इजिकल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल कितने हैं, ये एंगल बी ए ई, एंगल बी ए एफ जो दे रखा है आपका 30 डिग्री एंगल दे रखा है, और एंगल जो दे रखा है एफ ए और सी, एफ ए और सी इजिकल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एंगल बी ए सी दे रखा है, एंगल बी ए एफ इजिकल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इजिकल टू किसके हैं, हाफ बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ए, मैंने आपको बताया इस तरह से आपको करना है, ओके। जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन नंबर ए सेकंड पार्ट का ए पार्ट करवाया 60 डिग्री का, ऐसे ही आपको बी पार्ट 90 डिग्री का और सी पार्ट 120 डिग्री का और सी पार्ट 150 डिग्री का, सेम ऐसे ही पिक्चर्स आपको बनाना है और उसके बेसिट करके टू पार्ट्स आपको करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल्स बनाना है यूजिंग कंपास एंड स्केल से, ठीक है, और उसके बेसिट बनाने हैं, इनका टू पार्ट्स करने हैं। तो कैसे करना है, पहले हम एक स्केल लेंगे, स्केल से क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी भी सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमने क्या किया, इसका एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट आपका ए हो गया और एक पॉइंट आपका ये बी हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, क्या मानेंगे, ए को केंद्र मान करके हम एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क जो होगी वो यहाँ पर कट करेगी, एक कट यहाँ पे कर लिया, इस कट पे हम फिर एक को पॉइंट को केंद्र मान करके एक फिर आर्क लगाएंगे, जैसे ही ये आर्क लगाएंगे वो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का, हमें 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है ना। अब 60 डिग्री का ये एंगल बन गया, हमने यूजिंग क्या किया, कंपास और स्केल का हमने यूज किया है और हमने जहाँ पे कट किया उसको हमने मैच कर दिया, ठीक है, ये मैच हो गया आपका, कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल्स कह रहा है, 60 डिग्री का एंगल्स ही आपका बन गया कंप्लीट, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको टू पार्ट्स में बेसिट करना है, इनका टू पार्ट्स इसको डिवाइड करना है। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन बनाया था, इसी को ही यही जो आर्क है वही लेंगे और हम इसको एक कट यहाँ लगाएंगे और सेकेंड कट हम यहाँ पर इसको केंद्र मान करके कट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पर कट किया है हम इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, जैसे हम ए पॉइंट से इसको मिला देंगे ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या करा, बेसिट कर दिया, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ओके। और हम इसको नेम करेंगे, ए हो गया, बी हो गया
ये सी हो गया और ये एफ और ये ई और ये डी। हमें करना क्या है, 60 डिग्री का हमने यूजिंग कंपास एंड स्केल से हमने इसको बनाया है, ऐसे ही आप बनाएंगे और इसको हमने बेसिड इनके टू पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दिया। ये कौन कौन से पार्ट में हो गया आपके, ये 30 डिग्री का एंगल्स ये हो गया और 33 डिग्री का एंगल्स आपका ये हो गया। ओके, हमने बनाया कितना, 60 डिग्री का एंगल्स बनाया था हमने, इसको टू पार्ट्स को डिवाइड किया, कितने पार्ट्स है, 30 डिग्री का एंगल्स ये आपका ये हो गया और 30 डिग्री एंगल्स का आपका ये हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, लिखना क्या है, एंगल्स दे रखा है इसमें, एंगल दे रखा है, एंगल बी ए, एंगल बी ए और सी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है 60 डिग्री, एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, ये कह रहा है कंट्रैक्ट एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री का आपको बनाना है, जिसको यूजिंग कंपास एंड स्केल का यूज़ करना है और इसको टू पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वही लाइन ड्रा ड्रॉ करेंगे जैसे ऊपर वाले सेम क्वेश्चन हमने किया है। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ले, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हो गए आपके पॉइंट, आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया। हमने ए पॉइंट को हम केंद्र मानेंगे और एक हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, जिसने यहाँ पर एक कट किया है, इसी कट को फिर हम केंद्र मान करके दूसरी आर्क लगाएंगे और इसको जहाँ कट किया है इसको केंद्र मान करके हम इसको आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे और जिसने ये कट किया है इसको केंद्र मान कर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। हमें कट कहाँ किया है, इसने कट किया है यहाँ पर, इसको हम मिला देंगे, ठीक है, जैसे हम इसको मिला देंगे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, ये 90 डिग्री कह रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब ये कह रहा है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं, जो हमने आर्क लगाई थी वही आर्क लगाएंगे दोबारा से, इसको केंद्र मान करके एक आर्क लगाएंगे और हम इसको केंद्र मान करके एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जिसने यहाँ काटा, जैसे हम इसको मिला देंगे, इसको एक के साथ ये मिला दी, मिलाने के बाद ये कितना हो गया, ये 45 डिग्री का ये हो गया और 45 डिग्री का ये हो गया, टू इक्वल पार्ट्स हो गए आपके। इसके हम नेम पॉइंट रखेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम सी मान लें और इसको हम सी, और ये हो गया आपका ई एफ, ये सी, ये ई हो गया और ये हो गया आपका डी। क्लियर, अब हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, एंगल है आपका सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना है 90 डिग्री का है और हमने टू पार्ट्स डिवाइड किए हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए आपके, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री के, इनका टू एंगल्स के ये 45 डिग्री का होंगे लोग, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, दोनों कितने हो गए 45 डिग्री हो गए। एंगल हमने बनाया था कंपास एंड स्केल से 90 डिग्री एंगल बनाया, इसको हमने टू पार्ट से डिवाइड कर लिया, हमने डी का यूज तो नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्रा एन एंगल्स ऑफ 120 यूजिंग प्रोटेक्टर्स कंट्रैक्ट्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री वाई डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, आपको 120 का एंगल्स बनाना है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसको 60 का टू एंगल्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, इस टाइप से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही आर्क ने इतने पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट को हम केंद्र मान करके फिर एक आर्क लगाएंगे, जैसे ही ये 160 का हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इसको कट करके इस टाइप से लगा देंगे, ये कितना होगा 120 का हमें बनाना है 160, और इसका टू पार्ट डिवाइड करने हैं, ठीक है। इसके 120 के टू पार्ट डिवाइड करने हैं, 60 का टू पार्ट्स आपके एक हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका, इसको मिला देंगे तो बन हो जाएगा ये
ये, क्लियर। अब आपके टू एंगल्स हो गए, एक एंगल से आपका ये हो गया और एक एंगल से आपका ये हो गया, ए या बी तो है ये, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई, क्लियर। अब हमारे एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल इसमें जो दे रखा है एंगल 120 का बनाया तो हमें एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना हो गया 120 डिग्री का, क्लियर। अब हमें एंगल्स बनाना है बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री का, और एंगल सी ए एफ, एंगल सी ए एफ ये हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल्स आपका ये हो गया आपका 60 डिग्री का, और ये भी आपका 60 डिग्री का हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है, एक लाइन लाइन जो है ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की, कितनी करनी है 6 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमारा ये है, कहाँ से हो रहा है, यहाँ 0 से लेकर के 6 तक आपके हो गए, तो ये आपके हो गए लाइन ड्रॉ हो गए, ठीक है। ये हो गई आपकी ए और ये हो गई आपकी बी, कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। हमें क्या करना है, आपके टू इक्वल पार्ट्स करने हैं और उसकी लेंथ आपको बतानी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मार के एक आध से ज़्यादा आधी दूरी, इस टाइप से एक आर्क इधर और एक इधर, ठीक है। अब हम इसी को ही, इसको हम कम नहीं करेंगे, इसके फिर एक आर्क लगाएंगे, एक इधर और एक इधर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको जो तुम पॉइंट काटे हैं इसको हम मैच करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम मिला देंगे तो ये हो गए आपके। अब हम पॉइंट नापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर इधर होगी और 3 सेंटीमीटर आपके इधर होगी, जिसमें यहाँ पर कट किया है इसको हम ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ओ। इनके ए और बी, ए बी कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए ओ, ए ओ बराबर 3 सेंटीमीटर और बी ओ बराबर ये भी 3 सेंटीमीटर, क्लियर। ये कुछ टाइप से क्या होगा, हमारे एक 6 सेंटीमीटर की हमने स्केल्स कंपास से हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स को डिवाइड कर लिया, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर की, यानी कि ए और ओ यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और ओ भी यहाँ से भी यहाँ 3 सेंटीमीटर, क्लियर। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद बेसिक उसको पार्ट्स करने हैं आपके, कितने 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि उसके कितने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, उसकी लेंथ मेजर करनी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, 0 से लेकर के और 8 तक, तो यहाँ से हम इसको मैच करेंगे, ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट हो गए आपके ए और ये बी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और एक आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक इधर, इस टाइप से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसकी दूरी इधर लेंगे, वही आर्क ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्लियर। इससे हम बी को केंद्र मान करके एक आर्क इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे, यहाँ कट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मिला दें, पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला दें, ठीक है, क्लियर। अब हमें इसने यहाँ काटा है, कहाँ पर, इसको, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे और इस पॉइंट पर जहाँ ये काटा है इससे आप आधे से आधी दूरी लेंगे और ये कार लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इधर दोनों तरफ लगा देंगे, इस टाइप से, क्लियर। अब हमने इसको काटा, अब हम बी को केंद्र मानकर एक आर्क इसको इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जहां ये काटा है इसको इससे मिला देंगे, इस टाइप से, ऐसे ही इधर। अब हम देखेंगे इसको टू पार्ट्स कितने हो जाएंगे, देखो 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर 2 पार्ट्स, 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 6 और 2 से लेकर 8, कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। इससे 2 2 सेंटीमीटर हो गए, कितना हो गए, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर
और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये ए बी, ये सी, ये डी और ये ई, यानी कि ए और बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्लियर। इसमें ए सी दे रखा है, ए सी, सी डी, डी ई और ई बी इजिकल टू 2 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, 4 पार्ट्स कह रहा है ना, इक्वल 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स आपके हो गए, क्लियर हो गए, ओके क्लियर। ये वीडियो ही खत्म होती है, इस एक्सरसाइज ही फिनिश होती है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज के लिए इतना ही, काफी, हैव अ नाइस, टेक केयर, बाय बाय।